जी हाँ, नरेंद्र दमदार मोदी, एलएसी पर चीन का पीछे हटना पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला है और प्रधानमंत्री की इमेज का इंटरनेशनल सेंसेक्स आज आसमान छू रहा है। मोदी आज मजबूत वर्ल्ड लीडर के तौर पर एस्टैब्लिश हो चुके हैं, मगर देश में ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इस पर यकीन नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर सरकार पर देश की जमीन गंवाने का भी आरोप लगा दिया है और उनकी पार्टी ने तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। ये सिर्फ मोर्चे से मुंह मोड़ते ड्रैगन की तस्वीर नहीं है, ये ड्रैगन के मान मर्दन की तस्वीर है। ये तस्वीरें तानाशाह शी जिनपिंग को आजीवन अखरती रहेंगी। शी को आजीवन रिपब्लिक ऑफ चाइना का प्रेसिडेंट रहना है। आजीवन तानाशाही और इलाकाई दबदबे का ख्वाब अब चूर चूर हो चुका है। ड्रैगन की ये इंटरनेशनल इंसल्ट है। आलमी तौर पर उसका रुआब आसमान से जमीन पर आ गिरा है। सुप्रीम ताकत बनने की सुप्रीम लीडर की ख्वाहिश धूल में मिल गई है। सारी दुनिया हतप्रभ है, इंटरनेशनल मीडिया अवाक है। जो कल तक चीन की चतुरंगिणी सेना का खौफ बखानते थे, वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच वार्ता की खबरों से रंगे हैं। यकीन न हो तो बस ये नमूने देख लीजिए। साल 2021 की ये अब तक की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर है। ग्लोबल टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट, एसोसिएटेड प्रेस, रॉयटर्स और यहां तक कि खासा भारत विरोधी अल जजीरा। आखिर ये कैसे संभव हुआ, किसके इशारे पर हुआ, किसकी रणनीति के नतीजे हुआ, तो आपको फिर कहना पड़ेगा मोदी है तो मुमकिन है। जी हाँ, वन एंड ओनली मोदी, चतुराई के बिजू के और चालबाजियों के बादशाह। चाइना के इस बैक ट्रैक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर वर्ल्ड लीडर एस्टैब्लिश कर दिया है। लद्दाख में एलएसी पर मौजूदा हालात क्या हैं, इसका ब्यौरा बजरिए संसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश के सामने पेश कर चुके हैं। उसका असल निचोड़ क्या है, ये भी उन्हीं की जबानी समझिए। अब तक की बातचीत के बाद चीन भी देश की संप्रभुता की रक्षा के हमारे संकल्प से पूरी तरह और अच्छी तरह अवगत है। हमारी यह भी अपेक्षा है कि चीन द्वारा हमारे साथ मिलकर बचे हुए मुद्दों को हल करने का पूरी गंभीरता के साथ प्रयास किया जाएगा। शहीदों के शौर्य और पराक्रम की नींव बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी एक इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। और सभापति महोदय, मैं इस बात से भी पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह पूरा सदन, चाहे कोई किसी भी दल का क्यों न हो, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता और सुरक्षा के प्रश्न पर एक साथ खड़ा है और एक स्वर से समर्थन करता है कि यह संदेश केवल भारत की सीमा तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे विश्व को जाएगा। एलएसी पर ड्रैगन के डिसएंगेजमेंट की तस्वीरें सारी दुनिया देख रही है। मोर्चे पर पांव जमाकर बैठा चीन खुद अपना खेमा उखाड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद जिस जो बाइडेन से चीन को सबसे अधिक उम्मीद थी, मोदी ने दांव खेलकर उसी बाइडेन को अपने सियासी मोहपाश में बांध लिया। जाहिर है जिनपिंग लाचार है, ट्रीट तो मिलने से रही, बीटिंग रिट्रीट के सिवा कोई रास्ता नहीं। चीनी रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर बड़े बड़े हरूफ में छाप दिया, दोनों देशों के फ्रंटलाइन ट्रूप्स डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। जाहिर है दबाव में डगमगाते ड्रैगन की यही असलियत है, मगर अब कोई क्या करे कि ये तस्वीरें भारत की ग्रैंड ओल्ड पार्टी के डीफैक्टो युवराज को नजर नहीं आ रही। मीडिया में खबरें आ चुकी थी, इंडिया टीवी सुबह से एलएसी का पूरा सिनारियो पेश कर रहा था।
मगर वायनाड के कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को इन खबरों पर यकीन नहीं था। 9 महीने पहले वाला उनका रवैया इन खबरों के बाद भी बरकरार था। वो चतुर चीन के मुकाबले मोदी की स्ट्रेटजी को मजबूत मानने को तैयार नहीं थे। राहुल बेचारे ट्वीट के सहारे क्या बोले, पहले उसे सुनिए। यथास्थिति तब तक नहीं जब तक शांति और स्थिरता नहीं। सरकार हमारे जवानों के बलिदान का अपमान क्यों कर रही है और अपनी जमीन क्यों गंवा रही है। राहुल गांधी का ये ट्विटर बयान तब आया जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्यसभा में अपना बयान रख रहे थे। लोकसभा में जब वो बयान दे रहे थे तो राहुल खुद उनको सुन रहे थे। तब तक चीन के पीछे हटने की तस्वीरें भी आ चुकी थी, मगर न राहुल ने अपना बयान वापस लेने की जरूरत समझी, न दोबारा कोई ट्वीट किया। उल्टा कांग्रेस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा दिया। देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी उल्टा भ्रम फैला रहे हैं और बरगला रहे हैं, बजाय इसके कि वो देश को बताएं कि इन सारे इलाकों से चीनी घुसपैठ को कब तक खदेड़ देंगे। दरअसल इस मसले पर मई 2020 से ही राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर ले रखा है। वो लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कोरोना काल में वो ट्विटर पर अपने वीडियो पोस्ट किया करते थे। विपक्ष की भूमिका हमेशा सरकार को घेरने की ही नहीं होती, मुश्किल घड़ी में उसे सरकार का साथ देना होता है, यही राष्ट्र धर्म है। मगर शायद राहुल गांधी ने सरकार से पंगे को ही अपना धर्म बना रखा है। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने एक बयान में राष्ट्र नीति पर एक नसीहत सभी देश प्रेमियों को दी, इसे राहुल गांधी को जरूर सुनना चाहिए। हमारी प्रेरणा राष्ट्र नीति है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम निर्णय नहीं करते हैं और इसका असर जन सामान्य के मन पर होता है। साथियों, हम राजनीति में सर्वसम्मति को महत्व देते हैं। हम सहमति के प्रयास को करते करते सर्वसम्मति तक जाना चाहते हैं। दीनदयाल जी कभी भी राजनीतिक अस्पृश्यता में विश्वास नहीं रखते थे। और आपको याद होगा, जब मैं 2014 में आया तो मुझे सदन में एक बार बोलने का मौका मिला, तब मैंने सदन में कहा था और बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहा था और बड़े कन्विक्शन के साथ कहा था। जो इस कन्विक्शन को हम लोग जीते हैं, हमें संस्कार में मिले हैं। और मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि बहुमत से सरकार चलती है, बहुमत से सरकार तो चलती है लेकिन देश तो सहमति से चलता है, सर्वसम्मति से चलता है। और हम सिर्फ सरकार चलाने नहीं आए हैं, हम तो देश को आगे ले जाने के लिए आए। इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी का रुख भी चीन को पीछे धकेलने में काम आया। सेना को खुली छूट दी कि ग्राउंड पर जैसे चाहे चीन की सेना से निपटे। सेना को संसाधन मुहैया कराए गए और साजो सामान की खरीद हुई। कूटनीतिक मोर्चा खुद संभाला और राष्ट्रीय अध्यक्षों से बातचीत की। विदेश मंत्रालय राजनयिक मोर्चे को अपने मुताबिक संभाले रहा। छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुकना है, जल्द लौटेंगे, नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर।